हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे और कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारे पास सेटअप है राइट, कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, मंडे मार्केट कैसा होने वाला है, बुलिश है बियरिश है, जो भी है हमारे पास क्या ट्रेड्स बन रहे हैं बेसिकली हम वो डिस्कस करने वाले हैं फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट। बट उससे पहले लास्ट वीक आप लोगों का कैसा रहा, अगर आपने मुझे फॉलो करके ट्रेड्स लिए तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट ही रहा होगा राइट। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पूरा वीक कैसा रहा है, एंड इस चीज़ को ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोग जो मेरी पूरी बुल स्क्वाड फैमिली है हाउ यू गाइज आर परफॉर्मिंग, आपका कैसा रह रहा है। जो मैं आपको ये एनालिसिस वीडियो बना के देता हूँ, ट्रेड्स बना के देता हूँ, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे राइट, एंड वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं बनाता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो मंडे के लिए मैंने एनालिसिस करी है राइट, थोड़ा सा चार्ट को देखा है कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन द चार्ट और क्या यहाँ पे ट्रेड्स फिगर आउट करने में थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लगा, मतलब मोर देन यूजुअल जो मुझे डेली लगता है एनालिसिस करने में, चार्ट को देखने में, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे मंडे के लिए, कल के लिए कि कल क्या ट्रेड बन रहा है, थोड़ा सा एनालाइज करने में मुझे टाइम लगा। रीज़न आपको पता ही लग गया होगा इसकी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा माहौल चार्ट पे थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना हुआ है राइट। बिकॉज आपको पता है कि जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ उसके पीछे एनालिसिस कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेयरली हमारे जो SL है, जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ उसके पीछे रेयरली हमारे किसी ट्रेड में SL होता है। अब लास्ट आपको पता होगा, अभी रिसेंट जो हमारा सबसे लास्ट स्टॉप लॉस कब हुआ था हिट, जो भी मैंने आपको ट्रेड दिए थे उसके बेस पे बैंक निफ्टी में हमारा हुआ था SL हिट लास्ट, जो हमारा बुलिश मूव आया था ना उससे पहले ये रहा इस वाले दिन। तो कौन सी डेट थी, 17 जुलाई की डेट थी। देखो 17 जुलाई का लास्ट हमारा SL हिट हुआ था, जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ उसके बेस पे सारे ट्रेड्स सक्सेसफुल। 17 जुलाई का लास्ट हमारा SL हिट हुआ था आज से 10-15 दिन पहले राइट। और उसके बाद भी छोटा सा हमारा SL हिट हुआ, उसके बाद जो दूसरा मैंने आपको ट्रेड बताया था उसने देखो कितना बड़ा टारगेट दिया था यहाँ पे, बहुत ही बड़ा वहाँ पे, तो उस दिन भी हमारा ग्रीन में ही एंड हुआ था। बट उससे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट उसके बाद उससे पहले कब हुआ था, 17 जुलाई से पहले 15 या फिर 16 जून को। सो आप देखो कितना ज़्यादा गैप है, जो भी मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ यहाँ पे वीडियोस में, सो उसके पीछे कितना ज़्यादा गैप है हमारे SLs में राइट। मेजरली हमें टारगेट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके पीछे एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है मुझे, ताकि हम प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो स्टॉप लॉस है वो रेयर हो। सो इस वजह से जो आपको टारगेट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जो भी हमें ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एक बार कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी जो साइडवेज माहौल रहा था हमारा फ्राइडे को, तो हो सकता है अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिले मंडे को राइट। बट किस साइड में कैसे वो हम डिस्कस करते हैं, अब कैसे ट्रेड लेना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में ये हमारे पास लेवल्स बन रहे हैं। अब देखो निफ्टी ना बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशल पॉइंट पे है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ज़्यादा क्रूशल पॉइंट पे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। बट अगर फिर भी हम देखें तो एक ना बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से राइट। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, दोनों में एक बुलिश मूव अच्छा खासा। एंड अगर निफ्टी की अगर हम बात करें और निफ्टी में अगर ये बुलिश मूव जो यहाँ से लास्ट में जो ये रिकवरी हमें देखने को मिली है राइट, अगर ये कंटिन्यू करता है बुलिश मूव जो है कंटिन्यू रहता है, तो ये जाके रुकेगा आपका 20,500 के आसपास, 20,500 के आसपास तक जाके ये रुकेगा राइट। और वहाँ से एक थोड़ा पुलबैक वगैरह लेने की कोशिश करें, बट अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आराम से यहाँ तक जा सकता है इसके बाद। बट कल के लिए क्या ट्रेड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। एक देखो अगर साइडवेज ओपन होता है बैंक निफ्टी राइट, निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होता है, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक लेवल है 19,664 का और एक लेवल है हमारे पास ये 19,606 का। सो अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, सो वी विल कंसिडर दैट कि ये साइडवेज मार्केट हमारा जो है ओपन हुआ है। तो अगर ऐसा होता है सो हम क्या करेंगे उस केस में, देखो पहली कंडीशन इस केस में जो हमारे पास बनेगी वो ये है यहाँ पे, एक सेकेंड। सो पहली कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पे बन रही है वो ये है कि अगर साइडवेज ओपन होता है तो हमारा ये जो लेवल है 19,664, सो अगर यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट दे दे और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है लेवल का और ऊपर कैंडल आके क्लोज हो जाती है, तो हम इस लेवल के रीटेस्ट पे 19,664 का ये लेवल है, तो हम इस लेवल के रीटेस्ट पे कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल राइट 19,709 का। अब देखो अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तो आप सारे लॉट्स यहाँ पे लेके एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, आपको
कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि मार्केट और कहाँ कहाँ जा रहा है। बट इफ यू हैव मच बिगर क्वांटिटी, अगर आपके पास ज्यादा लॉट साइजिंग है, बड़ी लॉट साइजिंग है, क्वांटिटी है, सो यू कैन ट्रेल और आप यहाँ पे 80% लॉट्स बुक कर सकते हो और फिर आप 20% जो है लॉट्स यहाँ इस लेवल तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, राइट, सो दैट हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। बट ये जो हमारा लेवल है 19,755 का है लेवल जो है सेकेंड टारगेट के लिए, ट्रेल करने के लिए सेकेंड टारगेट। बट येस, कम लॉट्स वाले बिल्कुल भी ये ना करें, कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, ठीक है। ओके, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर मान लो ये साइडवेज ओपन हुआ है, राइट, या फिर कहीं पे भी ओपन होता है, जो हमारा ये लेवल है, अगर इसके नीचे कहीं पे ओपन हो रहा है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, कहीं भी ओपन हो रहा है, और पुट का अगर आपको ट्रेड लेना है, सो पुट का ट्रेड जो बनेगा वो हमारा यहाँ पे बनेगा। देखो, ये हमारे पास लेवल है 19,563 का, राइट। तो अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ है और इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देता है और इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, तो हम इस लेवल के रीटेस्ट पे, विच इज 19,563 का ही लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे हम पुट बाय कर सकते हैं, पुट की पोजीशन ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, और ये हमारा लेवल है 19,520 का, ठीक है। ये अपना ट्रेड बन गया पुट का, यही एक सेफ ट्रेड है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि ये जो निफ्टी का ट्रेड है, ये जो निफ्टी का हमारा ट्रेड है, ये हमारा 11:30 बजे के बाद हमें जो है ये ट्रेड लेना है, तभी सेफ रहेगा, ठीक है, 11:30 के बाद, उससे पहले नहीं लेना। अगर मान लो ये जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ पुट का, ये जो हमारा लेवल है 19,563 का, सो अगर मान लो मार्केट ओपन होते इसको ब्रेक कर दे, हम ट्रेड नहीं ले सकते, सेफ बिल्कुल भी नहीं है, हमें वेट करना है। अगर पहले ब्रेकआउट मिले तो सेफ नहीं रहेगा, 11:30 बजे के बाद, राइट, अगर 11:30 बजे के बाद ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल का तो ये ट्रेड हम लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, ठीक है। ये लेवल है 11:30 बजे के बाद, इस लेवल का अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है 11 या 11:30, तो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट के बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद, हम रीटेस्ट पे पुट बाय करेंगे, जिसका टारगेट हम ये लेवल रखेंगे। ये लेवल है 19,563 का, ये लेवल है 19,520 का। अब देखो, जो मैंने टाइम बताया इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना, आपको पता है इसके पीछे का रीज़न। अब लास्ट मैंने ना ये टाइम वाला जो ट्रेड था कि टाइम के बेस पे, अब देखो इसके पीछे भी काफ़ी सारी कैलकुलेशन और एनालिसिस होती है, तभी मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा बैंक निफ्टी में, यस, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ट्रेड ये रहा बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, यहीं पे कहीं पे मैंने आपको एक लेवल दिया था, राइट, इस पॉइंट पे मैंने आपको एक लेवल दिया था और मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी ना ये नीचे ब्रेकआउट देगा तो आप पुट का ट्रेड ले सकते हो और इधर कहीं का टारगेट मैंने सेम बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया। ये जो ये किस दिन का डेट है, देखो ये आप देखना, ये 24 जुलाई का है, राइट, वीडियो देख लेना, आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी, एनालिसिस वीडियो 24 जुलाई के लिए जो मैंने आपको बना के दी थी, राइट, उसमें मैंने आपको ये लेवल ट्रेड दिया था और इसमें कंडीशन ये बोली थी कि 1 बजे के बाद ट्रेड लेना है, 1 PM, आफ्टर 1 PM आपको ये पुट का ट्रेड लेना है। अब काफ़ी लोगों ने मेरा अगर वो जो कंडीशन है वो इग्नोर करी होगी, यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया होगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन और ऊपर वापस चला गया और एसेलेट करा दिया। सो रूल्स जो है मैंने जो बताए हैं, टाइम कंडीशन या जो भी कंडीशंस है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, फ्री टेलीग्राम चैनल है सबके लिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। प्लस टेलीग्राम पे भी कमेंट कर रखा है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल से ही लिंक लेना, डिस्क्रिप्शन से ही लिंक लेना टेलीग्राम का। रीज़न क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रेड फेल हो रहा है या फिर कुछ भी कंडीशन चेंज हो रही है तो मैं आपको पहले अपडेट करके टेलीग्राम पे बता दूंगा कि हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है या फिर ये ट्रेड थोड़ा रिस्की लग रहा है, हम लॉट साइजिंग पहले जो है वो कम कर लो या फिर प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेल कर लो, थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कुछ भी है, या फिर कुछ नया ट्रेड बना है, तो मैं आपको पहले ही लाइव मार्केट में आपको वहां पे अपडेट करके बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो आपका जो प्रॉफिट है वो हो, लॉस कम से कम हो, राइट, या फिर हम जो भी है अपना ट्रेड मैनेज करें, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आपको इस एनालिसिस वीडियो के बेस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, जो पुराने हैं उनको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। प्लस टेलीग्राम चैनल जो है काफ़ी मेरे नाम से फेक बने हुए हैं, सो मेक श्योर कि आप वो फेक चैनल से दूर रहो। मेरा एक ही चैनल टेलीग्राम का, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मेरा एक ही चैनल है और वो है बुल स्काउट, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उससे ही ज्वाइन करना है। बुल स्काउट ऑफिशियल के नाम से एक फेक बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, बुल स्काउट एक ऑफिस के नाम से बना हुआ है, राइट, इस तरीके के बहुत सारे फेक बने हुए हैं, तो उनसे दूर रहो, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप वहाँ पे फंसते हो, उनको पैसा देते हो, तो दैट्स नॉट मी,
आपका फ्रॉड हो रहा है वहां पे। तो मेक श्योर कि आप सही चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि आपके नाम से लूट रहे हैं। तो मेरी गलती थोड़ी, आप खुद समझदार बनो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लो, वेबसाइट से लो, कहीं से लो, लेकिन गलत लिंक तो आप देख रहे हो, तो आपकी गलती है, थोड़ा सा बुद्धि तो लगा वहां पे, राइट। सो वो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लो और वहीं से ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का भी अगर कोई अकाउंट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से लेना। इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक ही अकाउंट है, कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। आपके पास कुछ भी आ रहा है सब फेक है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इस चीज को गलती ना करो। सो निफ्टी के ये दो ट्रेड्स मैंने बताए, ठीक है। ये एक तो कॉल का ट्रेड मैंने बताया था, पहला एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साइडवेज ओपन होता है, राइट, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, तो हम इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे, हमारा जो ये लेवल है 19,563, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बनाएंगे रीटेस्ट पे, और ये हम करेंगे 11 या 11:30 बजे के बाद ही, उससे पहले नहीं लेंगे। अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये वाला ट्रेड मैंने बताया आपको, एक इस लेवल के ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोज होगा, तो हम फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट ये ट्रेड बनाएंगे। अगर मान लो अपना गैप अप ओपन होता है मार्केट, फिर क्या करें उस कंडीशन में। सो देखो, गैप अप के केस में अपने पास जो है ये आ रहा है, अगर मान लो गैप अप जो है आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस लेवल के नीचे, ये वाला लेवल है 19,709। सो अगर इस लेवल के नीचे गैप अप ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ था मार्केट, तो गैप अप यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन हो रहा है, एंड फिर हमारा ये जो लेवल है 19,709 अगर इस लेवल को ब्रेक करे ऊपर और कैंडल क्लोज हो जाए इसके ऊपर, तो फिर हम इसके रीटेस्ट पे कॉल बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे 19,755 का, ठीक है, ये अपना टारगेट रहेगा, और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको ट्रेल नहीं करना है। ये हो गया। बट अगर मान लो गैप अप और ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो गैप अप अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे हो जाए, तो फिर हम ट्रेड कॉल का नहीं लेंगे इस केस में, फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हमारा जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला लेवल, इसके ब्रेक करने का फिर हमारा वेट करना पड़ेगा, जो ये हाईएस्ट लेवल है, इसके ब्रेक करने के बाद फिर हमें वेट करना पड़ेगा 19,872, इसके ब्रेकआउट के बाद ही ऊपर हम ट्रेड ले पाएंगे, उससे पहले हम नहीं ले पाएंगे। बट एनीवेज उसका हम नहीं डिस्कस करते हैं, उतना मुझे लगता नहीं कि उतना ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये हो गया कंडीशंस हमारे निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी से याद आया मुझे, बिटकॉइन का भी मैंने आपको ट्रेड बताया था, राइट, लास्ट जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस वीडियो जो मैंने आपको बना के दी थी, तो बिटकॉइन का भी उसमें मैंने आपको ट्रेड दिया था। आपको बताया कि बिटकॉइन में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, जो भी मैंने आपको ट्रेड बताया था। देखो, मेरा 40% का यहाँ पे रिटर्न आया था उस ट्रेड में, 40% का रिटर्न है, राइट, एंड काफ़ी और लोगों का। देखो, मैंने आपको यहाँ पे जो भी है ट्रेड मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, प्राइवेट ग्रुप है, सबके लिए फ्री है, एंड यहाँ पे देखो सब ने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। देखो, ये उस वाले दिन का जो मैंने आपको ट्रेड दिया था, 17%, 33%, 27%, 25% रिटर्न, और ये उसी दिन का है, देखो 12% रिटर्न, 21% रिटर्न, 25% रिटर्न, ये सब ने प्रॉफिट छापा है उस दिन, 42%, ये तो मेरा वाला है, राइट, 19% का रिटर्न, ये देखो कितने लोगों ने, ये सारा एक ही दिन का है, 28 जुलाई का, राइट, आप देखो कितना, ये किसी ने दूसरा ट्रेड लिया है, लॉस किया है, 26% का रिटर्न, राइट। सो ये सारे जो ट्रेड्स हैं बिटकॉइन के, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना है बिटकॉइन में, और ये प्राइवेट ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए, ये फ्री है सबके लिए, सो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए, जहाँ पे आपको मैं सारे ट्रेड्स शेयर करता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सबका, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड क्रिप्टो में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, ठीक है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज। और क्यों है इसका यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो बाइनेंस वगैरह कहीं यूज़ करते हो तो डिपॉजिट और ऐड करने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है, आपको दूसरे P2P के ऊपर जो है रिलाई करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से UPI के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो और वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का सीन ही नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये वाला बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए, और सेफ है, राइट। तो ये यूज़ करना कैसे है, क्या है डेल्टा एक्सचेंज का ये प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए मैं आपको मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ पे पूरा मैंने बना के दिया हुआ है क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, इसमें आप जाके देख लेना कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन्ड है, वो देख लेना, प्लस प्राइवेट ग्रुप का जो एक्सेस है वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या है। सो बैंक निफ्टी में देखो ये लेवल्स हैं, और बैंक निफ्टी का जो है हमारे पास, अगर साइडवेज ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, राइट, और ये लेवल अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है और कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, मतलब ये जो लेवल है 45,524 का लेवल, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी कहीं भी, और फिर इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट दे दे और कैंडल फिर यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो फिर हम इस लेवल के रीटेस्ट पे
कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, और ये लेवल है 45,783 का फाइनल टारगेट है। बट मेक श्योर ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट का लेवल है 45,659। अगर कम लॉट्स हैं तो आप सारे लॉट्स यहाँ पे बुक करो, निकल जाओ ट्रेड से। ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे 80% लॉट्स बुक करो और 20% लॉट्स आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। अब देखो टारगेट बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा हो यार छोटा सा टारगेट है तो, बट दैट्स नॉट राइट। यहाँ पे जो टारगेट है वो ये देखो, ये पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक का 140 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट है और ये है 260 पॉइंट्स का टारगेट। तो टारगेट काफ़ी बड़ा है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा अगर आप आधा टारगेट भी बुक कर रहे हो। सो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने लॉट साइजिंग के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक करना है इसके अंदर। ये हो गया। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है तो हम उस केस में क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर मान लो अपने पास गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप मतलब इधर कहीं पे भी ओपन हो जाता है, सो अपने पास जो लेवल है ट्रेड करने के लिए वो ये है, ये लेवल है 45,783 का। एक बार जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। सो अगर मान लो बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 45,783 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है गैप अप, तो फिर हम इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके ऊपर, तो फिर हम इस लेवल के रीटेस्ट पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम ये रखेंगे 45,963 का टारगेट। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा 45,862 का। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे एक्सिट कर दो, ज़्यादा लॉट्स जिनके पास है वो यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। आपकी मर्जी है कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है। एंड दोनों ही केस में आप देखो टारगेट बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको 120 पॉइंट्स के अराउंड टारगेट है, 100 पॉइंट्स के अराउंड टारगेट है, 8900 पॉइंट्स। यहाँ पे आपका जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है 180 पॉइंट्स के अराउंड जो है टारगेट निकल के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हो जाएगा आपको पता ही है। एनीवेज अब अगर मान लो पुट का ट्रेड अगर बनता है तो कब लेना है। देखो पुट के ट्रेड के लिए अपने पास जो कंडीशन है इसके अंदर भी एक, सो पुट का ट्रेड हम लेंगे अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है कहीं पे यहाँ पे। सो ये लेवल है अपने पास 45,240 का। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर मान लो आपका इस लेवल के 45,240 का लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो रहा है मार्केट बैंक निफ्टी, एंड फिर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देगा, तो फिर हम इस लेवल के रीटेस्ट पे पुट बाय करेंगे, जिसका टारगेट हम इस लेवल तक का रखेंगे 45,081 का। इस वाले ट्रेड में एक कंडीशन है और वो ये है कि आपको ये ट्रेड 11:30 बजे के बाद लेना है, ठीक है। ये आप ट्रेड ले सकते हो 10:30 या 11 बजे के बाद, और यहाँ पे आप ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। मतलब 10:30 या 11 बजे के बाद ब्रेकआउट मिल जाए अगर ये वाला, तो आप ट्रेड लेना। उससे पहले अगर मिले, जैसे मान लो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और तुरंत आके ब्रेकआउट दे दिया, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट 10:30 या 11 के बाद मिलेगा तो ही हम ये पुट का ट्रेड लेंगे कैंडल क्लोज पे यहाँ पे रिटेस पे, और पुट का ट्रेड ये ट्रेड, ठीक है, ये वाला ट्रेड। लेवल्स वगैरह देख लेना अच्छे से। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख लो। इस वीडियो को अच्छे से देखना, कुछ भी मिस्टेक करोगे आपकी गलती होगी उसमें, क्योंकि कंडीशंस जो मैंने बताई, रूल्स जो मैंने बताए, प्लस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है ताकि आपको ट्रेड अगर कोई अवॉइड करना पड़े तो मैं आपको पहले अपडेट कर दूं। तो ये सारे रूल ज़रूरी हैं, आपको इसके बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपको एक्सेस चाहिए किसी भी चीज़ का, टेलीग्राम का, प्राइवेट ग्रुप का जो क्रिप्टो का है, वो आप कमेंट्स में देख लेना, मुझे मैसेज कर देना, कमेंट्स में कर देना, जैसे भी कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड बाकी टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिंड है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर एंड सी यू टुमारो, ठीक है, कल मिलते हैं मंडे को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।